मेरा नाम रणविजय है और मैं आपको मेरे साथ घटी सच्ची भूतिया घटना बताना चाहता हूँ। मैं घर से एक जरूरी काम से बाहर जा रहा था। रास्ते में मेरा सामना एक डायन से हुआ और उस डायन ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जब घर से बाहर निकला तो मुझे दूर रास्ते पर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ दिखा और मैंने उसी पेड़ के पास कुछ पैसे गिरे हुए देखे। पैसे थोड़े नहीं थे, नोटों की गड्डी थी पूरी। मैंने वही पेड़ के पास बाइक रोकी, पैसे उठाए और चल पड़ा। तभी मेरी नज़र बाइक के शीशे पर पड़ी तो मैंने देखा कि मैं अकेला नहीं था उस बाइक पर। मेरे साथ एक औरत मेरी बाइक पर बैठी थी। मैं बुरी तरह उस औरत को देखकर हड़बड़ा गया और मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो औरत एक डायन थी। उस डायन ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी मैंने उसका चेहरा अपनी गाड़ी के शीशे में देखा। वो डायन इतनी भयानक लग रही थी कि मेरी तो चीख निकल पड़ी। लेकिन अगले ही पल वो बोली, जरा दोबारा मेरा चेहरा देखो। मैंने एक बार फिर उसका चेहरा बाइक के शीशे में देखा। अब वो मुझे इतनी सुंदर दिख रही थी कि मैं बस इतना कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। तभी वो बोली, रणविजय मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें हर रोज़ इस रास्ते से जाते हुए देखती हूँ और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और सच्चे प्यार में कुछ भी छिपा नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें सब साफ कर दिया है कि मैं वास्तव में एक डायन हूँ। डायन की ऐसी बातें सुनकर मैं डर तो रहा था, मगर यार समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं उसे क्या जवाब दूँ। उसकी सुंदरता देखकर ना कहने को भी दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने उससे कहा, मुझे सोचने का समय दो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है रणविजय, मगर याद रखना मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और तुम्हारा प्यार पाने के लिए किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। इतना कहकर वो डायन गायब हो गई और उसके गायब होते ही मैंने अपनी गाड़ी घुमाई और वापस घर पहुँचा। घर पहुँचने के बाद मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमी जा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यही सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं कल डायन से मिलूंगा और उससे अपने दिल की बात कह दूंगा कि मुझे भी अब वो पसंद है। डायन के पास से घर आते वक्त शाम के 6 बज रहे थे और उसी के बारे में सोचते सोचते रात हो चुकी थी। और जब मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं कल डायन को अपने दिल की बात कहूंगा और जिस वक्त मेरे दिल ने माना कि हाँ मुझे भी डायन से प्यार है, तब रात के 8 बज चुके थे। और कहते हैं भूत प्रेत चुड़ैल और डायने इंसानों का मन पढ़ लेती हैं। शायद इसी वजह से मेरे इतना सोचते ही कि मैं भी डायन से प्यार करता हूँ, वो डायन मेरे घर मेरे कमरे में प्रकट हो गई और बिल्कुल उसी खूबसूरत रूप में। डायन को अपने सामने देखकर मैं बेड पर ही उठकर बैठ गया, मगर डर कर नहीं। तभी डायन बोली, रणविजय हम डायनों में शक्ति होती है, हम किसी का भी मन पढ़ लेती हैं और जो भी तुम्हारे दिल में है मैं उसे जान चुकी हूँ और इसीलिए मैं कल तक का इंतजार नहीं कर पाई और अब जल्दी से वही बात जो तुम मुझे कल कहने वाले थे अभी कह दो। डायन की बात सुनकर मैं अब शायद से प्यार में अंधा हो गया था, इंसानी और शैतानी ताकतों के बीच का फर्क करना ही भूल गया था। मैं बेड से उठा, उस डायन के बिल्कुल पास गया और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उस डायन ने अपना नाम डारजी बताया। फिर मैं बोला, डारजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। डारजी मेरे बिल्कुल करीब आ गई और फिर उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोली, रणविजय एक बार और दोबारा फिर से कहो। मैंने दोबारा कहा, डारजी मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
फिर मेरी आंखों के सामने ही पल भर में वो डायन वस्त्रहीन हो गई, और जब मेरा ध्यान खुद पर गया तो मैं भी वस्त्रहीन था। फिर हम दोनों वैसे ही बेड पर आ गए, और फिर हमारे बीच वो सब हुआ जो एक शादीशुदा पति पत्नी शादी के बाद करते हैं। उस डायन और मेरे बीच शारीरिक संबंध बन चुके थे। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था और डारजी मेरे लिए चाय बना रही थी। अब उसके लिए मेरा प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया था। ये शायद दुनिया में पहला ऐसा मामला होगा जब एक डायन और इंसान के बीच प्यार का रिश्ता बना हो। थोड़ी ही देर में डारजी मेरे पास आई और बोली, रणविजय उठो चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। मैं बेड पर ही उठकर बैठा और चाय उसके हाथ से लेते हुए बोला, आई लव यू डारजी, आई लव यू सो मच। मेरी बात पर डारजी बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रणविजय। मैंने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी और चाय के कप को होठों से लगाने ही वाला था कि मेरे घर में जैसे भूचाल सा आ गया और सारी चीजें अपनी जगह से नीचे गिर पड़ी। और तभी एक काला साया मेरे कमरे की खिड़की से अंदर घुसा और देखते ही देखते वो साया एक प्रेत के रूप में बदल गया। इतने बड़े विकराल प्रेत को देखकर मेरी तो जैसे चीख ही निकल गई। तभी उस प्रेत को देखकर घबराई हुई आवाज में डारजी बोली, डारजे तुम? कौन था डारजे और क्यों उसे देखकर डारजी घबरा गई थी, देखिए ब्लडी संडे के अगले एपिसोड पर। और कहीं आप भी तो किसी डायन से प्यार नहीं कर बैठे? मैं हूं जय और आप देख रहे थे ब्लडी संडे।